Hello everyone, I am Payal and now I am going to teach you class 3rd standard Hindi textbook Orbit Kusum. If you're new in my channel, so please don't forget to subscribe. And now we learn chapter number 7, Titli Rani, Titli Rani. Titli, it means a butterfly, and Rani means a queen. Okay, so यहाँ पे हम तितली रानी, ये एक poem है, यहाँ पर हम इस poem को पढ़ेंगे. Let's repeat with me, okay? तितली रानी रंग कहाँ से लाती हो, फूलों से रंग ले लेकर शायद पंख अपने सजाती हो. नहीं घबराती, उड़कर आती, फूलों पर मंडराती हो, मीठा मकरंद भाता तुमको, से तुम खाती हो. मकरंद यानी कि उसमें एक मीठा सा शहद टाइप का होता है, जूस होता है फ्लावर के अंदर, उसे वो पीती है, जिसे हम नेक्टर भी कहते हैं. एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे. तितली रानी रंग कहाँ से लाती हो, फूलों से रंग लेकर शायद पंख अपने सजाती हो. नहीं घबराती, उड़कर आती, फूलों पर मंडराती हो, मीठा मकरंद भाता तुमको, खूब इसे तुम खाती हो. सो यहाँ पर जो पोयम है बहुत ही अच्छी है, इसे ओरल के लिए, ओरल एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर लेना, या इम्पोर्टेंट. वर्ड मीनिंग, तितली मीन्स अ बटरफ्लाई, रानी मीन्स अ क्वीन, मकरंद यानी कि नेक्टर, पंख यानी कि विंग्स, फूल यानी कि फ्लावर, और शायद यानी कि परहैप्स. Then next, next में हमारा है क्वेश्चन आंसर. इन फूलों को पहचान कर इनके नाम लिखो, आइडेंटिफाई एंड नेम दिस फ्लावर. तो ये है गेंदा, गुलाब, गुड़हल, कमल, ये सफेद कमल है, यहाँ पे मैं सफेद लिख देती हूँ, सफेद कमल और चमेली. अब यहाँ पे हमें इंसेक्ट्स के नाम लिखने हैं, तितली, मक्खी, मच्छर, कीड़ा, चिड़ा, मधुमक्खी. अब यहाँ पे बोला गया है क्रिया, क्रिया यानी कि वर्ब. सो यहाँ पे हम ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट लर्न करेंगे, जो कि है वर्ब. अब वर्ब किसे कहते हैं? जिस शब्द क्रिया यानी कि कोई भी काम काज, जैसे कि दौड़ना, उठना, बैठना, लिखना, खाना, ये क्या है? हमारी क्रिया हो गई हिंदी में. और उसी तरीके से इसे वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि एक्शन और एक्ट, है ना. सो नोन एज अ वर्ब, जैसे कि रनिंग, राइटिंग, लुकिंग, है ना. तो ये सब हो गया वर्ब. जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वह क्रिया
कहलाता है। द वर्ड्स विच डिनोट एन एक्शन और एक्ट आर नोन एज अ वर्ब। ठीक है, अब उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, उड़ना, लिखना, बैठना, देखना, सुनना, खाना आदि। लुक एट द पिक्चर एंड राइट डाउन द करेक्ट एक्शन अ वर्ड और वर्ब। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, खाना, धोना, उड़ना, भोकना, पीना, दिस ऑल आर द वर्ब्स। आई होप सो यू अंडरस्टूड द ऑल दिस थिंग्स। सो दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल एंड ईजी, प्रिपेयर वेल दिस ऑल, सो यू विल स्कोर a very good marks in your Hindi paper. Like, share, subscribe for the more videos.